हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डी आर एक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल में जेस 20 टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊँगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी ऑल में जेस 20 टैबलेट है, यह हमारी सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, जिसके अंदर जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो हमारा ऑलमेसार्टन मेडोक्सामिड 20 mg है। और दोस्तों, जो ये हमारी ऑलमेजेस 20 है, इसका प्राइस है हमारा लगभग 134 रुपये का, जिसकी एक स्ट्रिप में हमारी 10 टैबलेट होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस टैबलेट के यूजेस। दोस्तों, जो इस टैबलेट के यूजेस देखे गए हैं, जिसके अंदर हमारा ऑलमेसार्टन मेडोक्सामिड 20 mg है, ये एक टाइप की हमारी एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बीपी या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके अंदर हमारा ऑलमेसार्टन मेडोक्सामिड होता है, जिससे उसका जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर उसे हार्ट से प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ हो, तो हार्ट फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने में बहुत ही सहायता करता है। ये हार्ट अटैक को भी रोकता है और तो स्ट्रोक होता है उसको भी रोकता है। तो ओवरऑल जो है, ये हमारे हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, जिसे हम हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक कहते हैं, उसको भी प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्प करता है ये मेडिसिन, जिसके अंदर हमारा ऑलमेसार्टन मेडोक्सामिड 20 mg है। तो दोस्तों, यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने के बाद जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं आपको, जैसे कि आपको डिजीनेस दिख सकते हैं, हेडेक, बैक पेन भी होता है, कभी कभार आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये आपकी रेयर ही है, अगर इससे ज़्यादा कुछ लगे डॉक्टर को बताएं। अगर ये भी आपको ज़्यादा ही लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छा सलाह दे के आपकी डोज को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, या तो आपको अदर मेडिसिन भी दे सकते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये मेडिसिन है, इसको कैसे लेते हैं और कब इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन हो या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना चाहिए। इनकेस अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन चेक करता है, जब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम होने के चांसेज हो सकते हैं और स्ट्रोक आने के भी चांसेज होते हैं, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है आपको ये मेडिसिन। तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, कि डॉक्टर आपको बताएंगे कि कब खाना है, कब नहीं खाना है, और बिल्कुल सेम टाइम पे ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो ये वर्क कैसे करती है। दोस्तों, जो ये मेडिसिन है हमारी, जिसके अंदर हमारा ऑलमेसार्टन मेडोक्सामिड है, ये हमारा एक टाइप का एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यह क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है, जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो नैरो हो जाती है, तो उसको क्या करता है, थोड़ा ब्लड वेसल को हमारा वैसोडाइलेशन करता है, मतलब थोड़ा सा वाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है अच्छे से फ्लो होने में मदद करता है। जब ब्लड अच्छे से फ्लो होगा इंटायर द ऑर्गन पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो यही है कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी टैबलेट है, इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस। पहली बात तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन लेना है। कोई भी मेडिसिन होता है, डॉक्टर की एडवाइस से लोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और तो और, जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड या हाइपरटेंशन, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। और अगर किडनी या लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी है, डॉक्टर को ज़रूर बताएं मेडिसिन लेने से पहले। और दोस्तों, अगर आपकी अदर मेडिसिन कोई चलती है तो डॉक्टर को वो भी ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो यही है वीडियो पूरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।